की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, भारत की खास रिपोर्ट। ये हैं देश के ऐसे लाल जो कर रहे नन्हे हाथों से कमाल। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत शहर है बिलासपुर। यहाँ के मंडी मणमा के नन्हे हाथों ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जो देखते हैं वो बस देखते रह जाते हैं। कहावत है कि कुछ करने की तमन्ना हो तो उम्र मायने नहीं रखती। हम बात कर रहे हैं दो पड़ोसी और दो दोस्तों की। एक है सुमित, दूसरा है साहिल। दोनों ने मिलकर गत्ते और वेस्ट मटेरियल से गाड़ियों के मॉडल तैयार किए हैं। इन दोनों दोस्तों ने लॉकडाउन के दौरान ये मॉडल बनाए हैं। खास बात है कि साहिल के पिता संजय ट्रक ड्राइवर हैं। ऐसे में उन्हें ट्रक से लगाव शुरू से ही रहा है। ऐसे में उसने ट्रक ऐसा बनाया जो हूबहू ट्रक की कार्बन कॉपी लगता है। इन बच्चों ने पहली बार जब दो ट्रक बनाकर अपनी छत पर रखा तो राहगीरों को इतना पसंद आया कि उन्होंने खरीद लिया। इसी बात से दोनों का मनोबल इतना बढ़ा कि दोनों अब ट्रक के मॉडल बनाने लगे हैं। दोनों बच्चे कहते हैं कि वो बड़े होकर इंजीनियर बनेंगे। बिलासपुर से लाइव भारत के लिए विनोद चड्डा की खास स्टोरी। मेरा नाम सुमित है, मैं मंडी माणमा में रहने वाला हूँ। मेरी माँ का नाम आरती है और मेरे पापा का नाम अनिल है, और मैंने गत्ते का ट्रक बनाया है। मैं एट्थ क्लास में पढ़ता हूँ और मैंने गत्ते का ट्रक बनाया है। जैसे अनिल ट्रक तैयार किया है, ये पहले भी आपने और ट्रक बनाया कोई? हाँ जी, मैंने एक और ट्रक बनाया था जो टाटा का ट्रक था, और एक और था पर वो टूट गया है। फिर मैंने नया बनाया अशोक लेलैंड का। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, और इसका दिमाग जो है वो अच्छे तरीके से चला हुआ है। इन गाड़ियों के जैसे ये देखता है उसी का जो नुक्ता उतार लेता है अपने दिमाग में, और बना भी रहा है कुछ, इन्होंने बेच भी दी है बना के, और आगे हम इसको पढ़ा भी रहे हैं। अब 90 में पढ़ रहा है, 9 क्लास में। मैं सोचता हूँ कि ये 12 तक पढ़ जाए और इसको हम आगे भेजने की कोशिश करेंगे उसके दिमाग की वजह से, क्योंकि वो अच्छा चल रहा है। पढ़ाई में कमज़ोर है पर चला हुआ है, अभी तक फेल नहीं हुआ कभी, पर चला हुआ है। भाई इधर इन गाड़ियों में ज़्यादा दिमाग लगाता है, थोड़ा पढ़ने में कम लगाता है। रात को 11-11 बजे तक यही काम करता रहता है। शंकर मालीराम केडिया जी ने और एक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।